फिजियोथेरेपी में बिना दवाइयों के ही इलाज होता है। फिजियोथेरेपी का मतलब है मूवमेंट ऑफ लाइफ। दवाइयों में केमिकल होते हैं जो हमारे शरीर को हानि भी पहुंचाते हैं। फिजियोथेरेपी में दवाइयों के बिना ही बीमारियां ठीक हो जाती हैं, ये कहना है तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर आर के मुद्गल का। वो कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी में आयोजित वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे पर बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। उन्होंने बताया कि हमारे शरीर में बहुत सी मांसपेशियां होती हैं, अगर हम इनका कम उपयोग करते हैं तो वो स्थिर हो जाती हैं और ज़्यादा उपयोग करते हैं तो थक जाती हैं। फिजियोथेरेपी के ज़रिए हम सही तरीके से इनका ध्यान रख सकते हैं। फिजियोथेरेपी हमें राइट मूवमेंट फॉर लाइफ देती है। इससे पूर्व कार्यक्रम का शुभारंभ TMU के कुलपति प्रोफेसर आर के मुद्गल, मेडिकल कॉलेज के एडिशनल डीन और आर्थोपेडिक्स के HOD डॉक्टर नजमुल हुदा, हल्द्वानी से आए लेज़र स्पेशलिस्ट डॉक्टर हर प्रसाद, कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर शिवानी एम कॉल ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करके किया। फिजियोथेरेपी डे पर TMU के रजिस्ट्रार डॉक्टर विवेक रमन, ज्वाइंट रजिस्ट्रार डॉक्टर PN अरोरा भी मौजूद रहे। मेडिकल कॉलेज के एडिशनल डीन और आर्थोपेडिक्स के HOD डॉक्टर नजमुल हुदा ने बताया कि फिजियोथेरेपी मेडिकल फील्ड का एक हिस्सा है जो मरीजों को प्यार और देखभाल के साथ साथ उनकी सेवा करता है। वो अपना सौभाग्य समझते हैं कि जब वो किसी हॉस्पिटल में विजिट करते हैं तो उन्हें फिजियोथेरेपी डॉक्टर्स के साथ काम करना अच्छा लगता है। एक मरीज जो गिलास तक नहीं उठा पाता, वो फिजियोथेरेपिस्ट की मदद से कुछ करने में समर्थ हो जाता है। फिजियोथेरेपिस्ट आर्थोपेडिक्स डॉक्टर्स के साथ मिलकर मरीजों को एक बेहतर जीवन शैली दे सकते हैं। वो बोले, आपको सिर्फ फिजियोथेरेपिस्ट बनकर थेरेपी का हिस्सा नहीं बनना है, बल्कि मरीजों का सच्चा मित्र भी बनना है। BPT द्वितीय वर्ष की छात्रा लाइबा ने इस मौके पर क्लासिकल डांस की मनमोहनी प्रस्तुति दी। इसके अलावा अमितेश एंड ग्रुप ने फिजियो की एक्सरसाइज नृत्य के जरिए बताई। OPD से आए मरीजों ने भी अपने अनुभव साझा किए। इस मौके पर डॉक्टर फरहान खान, डॉक्टर शीतल मल्हान, डॉक्टर आसमा आजम, डॉक्टर रुचि चौधरी, डॉक्टर कीर्ति सचान, डॉक्टर मुनज्जा उरूज, डॉक्टर उज्जा कृष्णा आदि फैकल्टी के अलावा सलमान, अक्सा ताहिर, अंशिका जैन आदि की उपस्थिति उल्लेखनीय रही। So motivate us to rededicate to the cause for which this particular day has been celebrated. And that is the beauty with the discipline of physiotherapy, that it cures, it treats, it alleviates pain and suffering without any medicine as such. Because medicines are chemicals, and the body has got a great amount of chemical already inside, which has been designed by, not by human beings, it is more designed by the God, which is Almighty. All these chemicals, they either go for synthesis or liberation as such, and those liberations may not be very suitable, or that synthesis might not be so suitable to the body composition, and active therapy, that is nowhere there. And if you look into a single line, movement for life. And believe me, Dr. Huda is there, he is definitely going to acknowledge and appreciate this. The energy and the power resides in muscles, whether they are the brain muscles, or they are the heart muscles, or they are the lungs muscles, or the elements of which constitute the structure of body as such. And there's a beauty of muscles that they can contract, they can elongate also, they can extend, and muscles can only build power. And the essential requirement is, if we don't use them, they will become stiff and wear out, or they will break out. If we overuse them, they will wear out faster. Then, this particular discipline basically advocates and teaches how to make optimum utilization of muscles and how to really make them healthy at every time available with us. If you look into the rubber band, which we normally use for putting onto things in a bundle form, if it is not being used for a long time, what happens? It becomes so sticky on the
in a component or article or element itself, and it's difficult. What has happened? It has gone for disintegration as such, and it is not able to provide us the real benefit of the function for which it has been designed. The UA task becomes so important in complete what we call healthcare delivery system as such, because this could be one of the very few disciplines which is treating without any drug or a medicine as such. It is only treating by providing the right movement to them. If you go into Indian philosophy, Bhagavan Krishna Gita mein spasht roop se kehte hain, karam wo prakriya hai jiske dwara man, atma aur sharir ki shuddhi hoti hai. Work is the only process through which we can purify our body, mind and soul. And